नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अफगानिस्तान में भीषण युद्ध हुआ और आरपार की लड़ाई में तालिबान अफगानिस्तान सरकार पर भारी पड़ा। तालिबान ने कब्जे वाले राज्यों में शरीयत कानून लागू कर दिया और शरीयत कानून के हिसाब से अपने लड़ाकों को स्वतंत्रता दे दी कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे जिस घर से चाहे 12 साल की उम्र से ज्यादा की लड़कियों और विधवा महिलाओं को अपने साथ ले जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। हर समाज और धर्म के भीतर लोगों के रहने के तौर तरीके नियम कायदे होते हैं। शरीयत इस्लामिक समाज के भीतर रहने के उन्हीं नियमों का एक समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज चलता है। 7वीं सदी में जब सऊदी अरब के मदीना में इस्लाम की स्थापना के साथ ही इस्लाम तेजी से आसपास के इलाकों में फैलने लगा। पहले अरब में कबीलाई समाज था जिसमें रहने वाले लोगों के अपने रीति रिवाज थे, लेकिन इस्लाम के प्रसार के साथ ही कुरान के नियम इन कबीलाई समाज को संचालित करने लगे। इस तरह कुरान में अखिलित रीति रिवाज को हम शरीयत कह सकते हैं। ये एक तरह से उस समाज के इंसान की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के रूप में देखे गए। शरीयत इस्लाम के भीतर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जीने के लिए कायदों की व्याख्या करता है। ये बताता है कि इन तमाम पहलुओं के बीच एक मुसलमान को कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए। शरीयत कानून इस्लाम को मनाने वालों की जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। शरीयत उस नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानून परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवित रहते कुरान में लिखे कानून उस समय के समाज की समस्याओं के हिसाब से उनके समाधान के लिए थे, लेकिन इसमें समय के साथ बदलाव भी होते रहे। दरअसल कई धार्मिक संस्थानों और वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में शरीयत को उसके हिसाब से लागू किया गया। इस्लामिक कानून की 4 प्रमुख संस्थाएं हनफिया, मलिकिया, शफिया और हनबलिया है, जो कुरान की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। ये सभी संस्थाएं अलग अलग सदियों में विकसित हुई और बाद में मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थानों के कानूनों को अपनाया। भारत की जहां तक बात है, भारतीय संविधान में सभी धर्मों जातियों के लोगों को जीने के समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहां तक इस्लाम के अनुयायियों की बात है तो मुसलमानों के घरेलू, पारिवारिक और उसमें भी खासकर शादी, तलाक, बच्चों से संबंधित मामलों और पति पत्नी, माता पिता के बीच सभी मामलों का शरीयत कानून के हिसाब से ही समाधान निकाला जाता है। भारतीय कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में शरीयत से संबंधित नियम कायदों को संचालित करने के लिए एक संस्था का गठन 1937 में किया गया था। इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसकी स्थापना 1937 में अंग्रेजों ने की थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के सभी मामलों का इस्लामिक कानून के मुताबिक निपटारा करना था और इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुआ। दरअसल इसका इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। इस तरह 1937 से ही मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले पर एक्ट के तहत ही होते हैं। खास बात यह है कि इस एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं दे सकती। आपको बता दें कि भारत में धर्मों के लिए ऐसे कानून की व्यवस्था है, इसे सिविल कोड कहा जाता है। जैसे 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों के पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। ऐसे ही 1936 का पारसी विवाह तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून भी भारत में हिंदू समाज के भीतर कई मामलों का निपटारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। शरीयत, जिसे शरिया कानून और इस्लामी कानून भी कहा जाता है, इस्लाम में धार्मिक कानून का नाम है शरीयत। इस कानून की परिभाषा 2 स्रोतों से होती है। पहली इस्लाम का धर्म ग्रंथ कुरान और दूसरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की दी गई मिसालें जिन्हें सुन्नह कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए शरीयत इस्लामिक समाज में रहने के तौर तरीकों, नियमों और कायदों के रूप में कानून की भूमिका निभाता है। पूरा इस्लामिक समाज इसे शरीयत कानून या शरिया कानून के हिसाब से चलता है।
आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है शरीयत कानून, कैसे काम करता है ये और कितना पुराना संबंध है इसका कुरान और इस्लाम से। सातवीं सदी में मदीना में इस्लाम की स्थापना हुई। कुरान में लिखित रीति रिवाज को शरीयत कहा जाता है। इस्लाम में शरीयत एक कानून है। अरब में कबीलाई समाज शरीयत को मानने लगा, जिसके बाद से इसकी शुरुआत हो गई। मुस्लिम समुदाय शरीयत के हिसाब से ही समाधान निकालता आया है। शरीयत के हिसाब से मुसलमान को जीना चाहिए, तमाम बातें ये कही जाती हैं। शरीयत में समय के साथ बदलाव भी होते रहते हैं। इस्लामिक कानून की चार प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसमें हनफिया, फिलिकिया, शफिया, हनबलिया है। सभी संबंध अलग अलग सदियों में विकसित हुई थी। ये जो संस्थाएं हैं इनमें आपस में संबंध है और ये अलग अलग तरीकों से विकसित होती हुई नजर आई। बाद में मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थाओं के कानूनों को अपना लिया। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया कि शरीयत कानून कैसे आया और किस हिसाब से मुस्लिम समाज इसे अपनाता हुआ नजर आया, इसकी संस्थाएं क्या क्या थी, तमाम पहलू हमने गिनाए हैं। देखिए ये तो बात हो गई शरीयत कानून की, अब तालिबान क्यों ऐसा कर रहा है, आगे क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि तालिबान 2.0 को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि 20 साल से ज़्यादा वक्त पर गुफाओं में रहने के बाद कम से कम तालिबान ने इतना तो सीख लिया होगा कि वो लोकतंत्र का सम्मान करें और मजहबी कट्टरता को छोड़ें। लेकिन अफगानिस्तान की ऐसी भयावह स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि तालिबान की सोच और तरीका वही पुराने कबीलों वाला है। सदियों से ये शरीयत कानून जो है चला आ रहा है, इसी के हिसाब से तालिबान के जो लोग हैं वो इस पर चलते हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने 25 साल पहले काबुल पर कब्जा किया था और एक बार फिर से काबुल रिटर्न्स देखा जाए तो हो रहा है। वहां पर भी तालिबान ने ऐसी विभत्स बर्बरता को अंजाम दिया था। आज एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया। कानून के मुताबिक औरतों को घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए, खुद को पूरी तरह से ढककर रखना चाहिए, उन्हें इस कानून में पढ़ाई की भी इजाजत नहीं है, उनका इलाज भी महिला डॉक्टर ही कर सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि कानून के मुताबिक महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब अगर महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेंगी और महिलाओं का इलाज कौन करेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि शरिया कानून में इस्लामिक समाज के उन नियमों का एक समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित किया जाता है। शरीयत कानून इस्लाम के भीतर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जीवन जीने की व्याख्या करता है। शरीयत कानून के अनुसार बताया गया है कि इन तमाम नियमों के बीच एक मुसलमान को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो हर समाज और धर्म के भीतर लोगों के रहने के तौर तरीके के नियम होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के लिए भी कुछ नियमों को लेकर शरीयत कानून बनाया गया। शरीयत या शरिया कानून इस्लाम धर्म के मुसलमानों के लिए उनके घरेलू से लेकर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बताया जाता है कि शरीयत उस नीति को कहा जाता है जो इस्लामिक कानूनी परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होती है। इस्लामिक कानून की चार प्रमुख संस्थाएं हनफिया, मिलिकिया, शफिया और हनबलिया है, जो कुरान की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों की अलग अलग तरह से बखान करते हैं। ये सभी संस्थाएं अलग अलग सदियों में विकसित की गई और बाद में मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थाओं के कानूनों को अपना लिया। ऐसे कानून से किया जाता है मामलों का निपटारा, ऐसी जानकारी भी मिलती है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस्लामिक समाज में समस्याओं के निपटारे के लिए शरीयत कानून बनाया गया है, वैसे दूसरे धर्मों के लिए भी ऐसा कानून बनाया गया है। इसे सिविल कोड कहा जाता है। जैसे 1956 को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों की पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। ऐसे ही शरीयत कानून द्वारा भी मुस्लिम समाज के भीतर कई मसलों का निपटारा किया जाता है।
तो पूरी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरीयत कानून क्या है, या ये कहें कि शरिया कानून क्या है, किस हिसाब से इस्लामिक जो कंट्रीज है उन्होंने इसे अपनाया और अपने अपने हिसाब से हर सदी में ये जो कानून है, ये जो नियम है, वो बदलते चले गए हैं। ऐसे में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें दबाव रहता है। अगर देखा जाए तो तालिबान की ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है कि वो औरतों को लेकर पूरी तरह से विभस्त हो जाते हैं, साथ ही साथ जो 12 साल से ऊपर की बच्चियां हैं और जो विधवा महिला हैं, ये कहा जा रहा है कि तालिबान में उन्हें छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर चारों तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके ऊपर आवाज़ ये उठाई जा रही है कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन कोई भी पश्चिमी देश इस पर आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। काबुल पर तालिबान ने 25 सालों बाद एक बार फिर से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वहाँ पर शरीयत कानून लागू कर दिया है। तालिबान के झंडे जो है वो पूरे काबुल में लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो कई भारतीय अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं और उनकी तमाम वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, रोते बिलखते और वापसी की उम्मीद वो लगा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना का एक विमान वहां पहुंचा है और कई भारतीयों को वापस लेकर जामनगर पहुंचा, लेकिन अब भी करीब 120 भारतीय बताए जा रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें दयनीय हैं, भयावह हैं। तालिबानिया का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में ना तो राष्ट्रपति है और ना ही उनके करीबी देश में फिलहाल मौजूद है। ऐसे में आवाम की रक्षा कैसी होगी, जो बेकसूर हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कल ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई, हर किसी का गला जो है वो रुंध गया। वो तस्वीरें थी कि लोग दौड़े चले जा रहे हैं और यहाँ पर जो विमान थे उनके पहियों पर भी लटक गए और कई ऐसे थे जो कि वहाँ से गिर भी गए, ऐसा वीडियो भी सामने आया था। ये बहुत ही विभत्स था, बहुत ही भयावह था, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें ऐसी हैं कि खौफ का मंजर है और अपनी जान हर किसी को बचानी है। तो यहाँ पर शरीयत कानून के बारे में हमने आपको तमाम जानकारी दी है, लेकिन इसमें भारत का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि हम भारत के लिहाज से नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मुसलमानों की हमने बात कही, लेकिन ये बात उन इस्लामिक कंट्रीज़ की हो रही है जहाँ पर शरीयत कानून लागू है और जहाँ पर शरीयत कानून को माना जाता है। भारत में ऐसा नहीं है और इसी वजह से हम सिर्फ उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो इस कानून को मानते हैं और इस कानून के साथ चलते हैं। तो अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में इस कानून को तालिबान अब लागू कर रहा है। 25 साल पहले भी इस कानून को लागू किया गया था। इसके अलावा तमाम और कंट्रीज हैं जो इस कानून को मानती हैं, इस कानून को लागू किया हुआ है। साथ ही साथ हर सदी में इस कानून में थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं और इस हिसाब से जो तमाम कंट्री हैं, जो इस्लामिक स्टेट हैं, वो इसे मानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में हर किसी को आज़ादी है, हर किसी के धर्म की उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है जितनी हिंदू धर्म की जाती है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैनी हो, पारसी हो, जो भी हो, हर किसी को एक ही निगाह से देखा जाता है। लेकिन तमाम देश में ऐसी विश्व में ऐसी कंट्रीज है जहां पर इस कानून को माना जाता है, इस कानून के तमाम नियम कायदे हैं और बताया जाता है कि कुरान और कई आयतों में ऐसा माना गया है, उसी लिहाज से इस कानून का निर्माण किया गया। हालांकि अपने हिसाब से इसमें बदलाव भी किए गए हैं, अपने नियम भी इसमें जोड़े गए हैं, ऐसे ही नियम तालिबान ने अपने हिसाब से इसमें जोड़ लिए हैं। यहाँ कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो जाता है वो महिलाओं को जाता है। महिलाओं को ऐसे लिबास पहनने चाहिए जिसमें उनका शरीर का ज़रा सा भी अंग ना दिखे, हाथ भी नहीं दिखने चाहिए। साथ ही साथ इस कानून के हिसाब से महिलाओं को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती। अगर कोई महिला बीमार होती है तो उसका इलाज जो है एक महिला डॉक्टर ही कर सकती है, पुरुष डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ऐसे हैं कि अगर महिलाएँ या बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी तो फिर डॉक्टर कैसे बनेंगी और महिलाओं का इलाज कैसे कर सकती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो आज शरीयत कानून को इसलिए हम इस खास बुलेटिन में समझा रहे हैं
क्योंकि तालिबान जो है वो शरीयत कानून पूरी तरह से पूरे अफगानिस्तान में लागू करना चाहता है। हालांकि काबुल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, तालिबानी जो झंडे हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रति सभी की निगाहें जो है वो वहीं पर गड़ी हुई हैं कि महिलाएं कैसे वहां पर अपना जीवन यापन करेंगी। देखिए, तमाम जो विदेशी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको तो तमाम देश अपने यहाँ बुला लेंगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो डरे हुए हैं, जो खौफ में हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, जो 12 साल के ऊपर की बच्चियां हैं, वो कैसे अब वहां पर रहेंगी, कैसे उनका वहां पर जीवन यापन होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे में जरूरत है कि जो पश्चिमी देश हैं वो अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो अमेरिका की है। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान आगे जाए या पीछे हटे, उनके सामने ऐसे कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। अब जो तालिबान कहेगा, अफगान की आवाम को वही मानना पड़ेगा, अगर खून खराबा नहीं चाहिए। तालिबानी कई आतंकी ऐसे होते हैं जो बेवजह लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार देते हैं, वजह कुछ भी वो बता देते हैं। तालिबानी सजा का जिक्र हम लगातार करते हैं, तालिबानी सजा के वीडियोस तमाम आप देखते हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि ये वीडियो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विभस्त होते हैं, भयावह होते हैं, जहाँ पर अगर आप चोरी कर लेते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं, अगर आप किसी को गलत निगाह से देखते जाते हैं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर आप कोई महिला अगर किसी से फ़ोन पर बात करती है, गैर मर्द से बात करती है, तो उसे तालिबानी सज़ा दी जाती है, उसे कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर लोग बरसाते हैं। ऐसी तमाम तालिबानी सज़ा है जो निकल कर सामने आती है। इसी तालिबान को यूं ही तालिबान नहीं कहा जाता, तालिबान एक आतंक का पर्याय बना हुआ है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी काविंद्र चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं। काविंद्र, शरीयत कानून के बारे में हम इस पूरी खास बुलेटिन में बता रहे हैं, शरीयत कानून के बारे में हमने बताया है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या अगर कुरान में इसका जिक्र है, क्या कुरान में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, महिलाओं को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, या गैर मर्द से महिलाएं बात नहीं कर सकती हैं? बात सबसे पहले हम क्लियर कर दें, उसके बाद हम पूरे टॉपिक पर आएंगे। काजोल, कुरान में ऐसी सीख कहीं नहीं दी गई है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जाए, कि इस तरीके के कानून का सहारा लेकर लोगों की गर्दन काट दी जाए, कि और भी जो चीजें कर रहे करी जाए शरीयत कानून के अंदर में, उसको सब गलत है, निराधार है। कुरान में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी शरीयत कानून जो है वो सिर्फ एक मानसिकता को जन्म देता है, महिला विरोधी है, जो पूरी तरह से ठीक है। किसी भी इस्लामिक कंट्री की हम बात कर लें, वहां पर जो शरिया कानून लाने की बात होती है तो वहां पर कट्टरता को जन्म दिया जाता है, और कट्टर पंथ जो इस तरह जन्म लेता है जो महिलाओं को पूरी तरह से विरोधी होता है। वैसा ही हमने बाकी तमाम देशों में भी देखा है, सूडान की बात कर लें, तुर्किस्तान की बात कर लें, बस जितने भी देश है इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर ऐसी चीजें देखी गई है। और अब अफगानिस्तान में जो अमन पसंद लोग थे, जो मॉडर्नाइजेशन की वकालत करते थे, वो लोग इसलिए डरे सहमे हैं, वो लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो शरीयत का समर्थन नहीं करते। लेकिन जो लोग वहां पर शरीयत का समर्थन करते हैं वो दरअसल वो लोग हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ को मानते हैं। तो शरीयत का सीधा मतलब ये है कि जो कट्टर लोग हैं, जो कट्टरपंथ का जो समर्थन करते हैं, वो लोग इसका वेलकम करते हैं, वो लोग इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जो अमन पसंद मुसलमान है वो इसका स्वागत नहीं करते, वो इसको पूरी तरह से नहीं मानते, क्योंकि काजोल हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस वक्त इस तरह कानून मानना जिसमें आप गर्दन काटने की वकालत करते हो, जिसमें आप हाथ काटने की वकालत करते हो, जिसमें आप महिलाओं की शिक्षा की बात ना करते हो, जिसमें आप अपनी बहन बेटियों को बाहर निकलने की इजाजत ना देते हो, ये कानून आज की सदी में कैसे लागू किया जा सकता है? बिल्कुल काविंद, जिस तरह से अभी आपने बात की इस्लामिक कट्टरवाद की, देखिए अगर तालिबान की बात की जाए तो 25 साल पहले भी काबुल पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा था। तब हमने देखा था कि खूब मारकाट होती थी, गोलीबारी होती थी, महिलाओं को जबरन वहां पर बंदी बना लिया जाता था, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को जबरन बंदी बना लिया जाता था, और उनको उनकी तमाम किसी से भी शादी करा दी जाती थी, ऐसी तमाम चीजें हमने देखी है। लेकिन 25 साल बाद एक बार फिर से तालिबान काबुल लौटा है। लोगों को कह तो ये रहा है तालिबान कि हमने बदलाव किया है, हम शांति चाहते हैं, भारत से भी हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, भारत ने जो निवेश किया है, जो प्रोजेक्ट है भारत के, वो उसे पूरा करें। लेकिन क्या तालिबान पर यकीन किया जा सकता है? क्योंकि कल से लेकर अब तक तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं कि तालिबान पर यकीन करना मुश्किल है। क्या 25 सालों में तालिबान जरा भी बदला है? जी देखिए, तालिबान जैसे संगठन पर यकीन करना ये बिल्कुल सरासर गलत चीज हो सकती है, क्योंकि तालिबान
उसका एक रुख कभी रहा ही नहीं है, वो रुख हमेशा अपने बदलता रहा है। इसके साथ ही आपको बात बताऊं एक की, जो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका नेतृत्व तो भारत इस बार कर रहा है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के होते हुए, तमाम देशों के होते हुए भी सब लोग इस पर नजर रख रहे हैं, सब लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। और शरीयत कानून को किस तरीके से बंदूक की नोक पर लागू कराया जा रहा है ये तमाम देश देख रहे हैं। बाकी एक चीज और है, शरीयत कानून को लागू कराना सीधे तौर पर आज की स्थिति में मानवाधिकार का सबसे एक्सट्रीम लेवल का, जो उसको बोलेंगे हनन है मानवाधिकार का, बिल्कुल हनन कहा जा सकता है काविंद्र मानवाधिकार का। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो परेशानी है काविंद्र वो महिलाओं के लिए हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को लेकर तालिबानियों की नजर कभी भी अच्छी नहीं रही है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उठा ले जाते हैं, जबरन उनके साथ तमाम चीजें की जाती हैं, और अगर वो बात नहीं मानती तो उन्हें कोड़े बरसाए जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति महिलाओं की हो सकती है, जहां हम अभी आपने जिक्र किया कि हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तमाम पश्चिमी देश जो है पूरी तरह से मॉडर्न हो चुके हैं और देखा जाए तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी देश क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्या वहां की महिलाओं को इसी स्थिति में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्यों अमेरिका आवाज नहीं उठा रहा है? क्यों अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? 20 सालों से अपनी सेना वहां पर लगाकर रखी थी, अब क्या हो गया है कि अफगानिस्तान को उसकी स्थिति पर ऐसे छोड़ दिया जा रहा है? ये देखिए काजोल, सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी कट्टरपंथ रहा है वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहा हो, चाहे वो बोको हराम रहा हो, चाहे वो कुक्लक्स क्लैन रहा हो, चाहे अभी वो तालिबान हो, कोई भी कट्टरपंथ कभी भी महिलाओं का नहीं हुआ। हर कट्टरपंथ, जो भी समाज में कट्टरता अगर जन्म लेती है तो महिलाओं का विरोध ही करती है, वो महिलाओं को अंदर बंद करने की कोशिश करती है, महिलाओं पर ताला लगाने की कोशिश करती है, महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगाने की कोशिश करती है। कट्टरपंथ हमेशा मेल शोविनिज्म को हमेशा बढ़ावा देती है, महिलाओं का कभी कट्टरपंथ नहीं हुआ, चाहे वो तालिबान के परस्पेक्टिव से बात करें, चाहे हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री की बात करें, चाहे एशिया की बात करें, कहीं की भी बात कर सकते हैं। तो अगर कट्टरपंथ की बात हो रही है तो महिला विरोधी ही रहा है कट्टरपंथ। ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, क्रिश्चियनिटी की भी यही बात है, तमाम जितने भी अगर हम धर्म ले लें, अगर वहां कट्टरपंथ आया है तो महिला विरोधी ही रहा है, कभी कट्टरपंथ किसी महिला का नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर काविंद्र अभी मैंने आपसे ये भी सवाल किया कि आवाज उठानी जरूरी है, हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो अफगान की महिलाओं का क्या कसूर है? क्या उन्हें आजाद रहने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें पंख फहराने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है? क्यों हम चुप हैं? क्यों ऐसे तमाम देश चुप हैं जो अफगानिस्तान का पहले समर्थन करते थे, तालिबान को बढ़ावा दिया? मैं बात अमेरिका की कर रही हूँ, महाशक्ति है, वो चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने तो अपना असली चेहरा है जो वो बिल्कुल सामने रख दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देखिए हमारा असली चेहरा ये है। वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है कि वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे थे, वो अफगानिस्तान में थे, 20 साल तक रहे, उन्होंने कोई राष्ट्र निर्माण नहीं किया था, उनकी सेना सिर्फ वहां पर इसलिए थी कि हमारे देश पे कोई खतरा पैदा ना हो। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपना भला सोच रहे थे कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। उन्होंने साफ किया है कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन था, जो हम वहां पर हमने सैनिक भेजे थे, वो सिर्फ इसलिए भेजे थे कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सके, जो कि एक दशक पहले ही हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना ऑपरेशन जो हॉल्ट कर लिया, वापस बुला लिया। तो लोगों के मन में जो एक गलतफहमी थी कि अमेरिका दरअसल अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, उनकी सेना के साथ खड़ा है, उसको जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे थे अफगानिस्तान का, हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश का भला चाहते हैं। और अभी स्थिति ये है, चाहे हम किसी भी देश की बात कर लें, सब लोग ये चीज होते हुए देख रहे हैं, तस्वीरें सबके सामने हैं, और अब उनका कौन भला करेगा, इसके लिए अभी तक कोई भी देश अभी तक आगे बढ़कर नहीं आया। देखिए हर देश ने अपने अपने लोगों की बात कर ली है, अब मैं चाहे हिंदुस्तान की भी बात कर लूं तो हिंदुस्तान में भी यही बातें निकल कर आई हैं कि जो हिंदू है, जो सिख है, उनको हम ले रहे हैं वापस, वो आ जाइए। बिल्कुल, क्या इसके पीछे डर हो सकता है? देखिए अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन ने साफ कह दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, वो ये कहते हैं कि इतिहास में अमेरिका का नाम ऐसे दर्ज होगा और ये गलत तरीके से दर्ज किया जाएगा। देखिए अमेरिका अगर चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है, और रही बात कि ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया इस वजह से वहाँ पर अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सेना भेजी, क्या जरूरी है कि आने वाले समय में तालिबान अमेरिका को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो जो बाइडेन और ट्रंप का जो आपने जिक्र किया है, ये सबसे बड़ा फर्क है विचारधारा का। जो बाइडेन जो है वो सेकुलर नेता माने जाते हैं, न्यूट्रल हैं काफी चीजों को लेकर, लेकिन ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो ट्रंप एक राइट एक्सट्रीमिस्ट नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो उनका विचारधारा जो है, उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि
जहां पर इस्लाम जो है कट्टरपंथ के रूप में पनपेगा, बड़ा होगा, वहां पर ट्रंप की विचारधारा ये कहती थी कि वहां पर इसको रोकना है जी। लेकिन जो बाइडेन जो है वो सेक्युलर नेता है, वो एक न्यूट्रल नेता है, उनका कहना है कि नहीं, हम अपने देश का देख रहे हैं, हम फिलहाल अपने देश का देख रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी कागजी कहा जा सकता है कि हर किसी को अपने देश की फिक्र है, अपने देश के नागरिक अगर वहां है तो उसे वापस ले जाने की फिक्र है। आगे अफगानिस्तान का क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तालिबान रिटर्न्स हो गया है काबुल में और काबुल में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी नेता जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत के साथ वो संबंध अच्छे करने की बात कह रहा है, लेकिन आगे संबंध कितने अच्छे रहेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका जो है इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां से बदला लेना था, तालिबानियों से वो बदला हमने ले लिया है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान में। यानी कि 20 साल जो इंटरेस्ट लिया गया अमेरिका की तरफ से, वो इंटरेस्ट अब लूज कर दिया गया है, जिसका खामियाजा अफगान की जो आवाम है, जो मासूम आवाम है, जो शरीयत कानून को नहीं मानती, जो कि मॉडर्नाइजेशन को मानती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने देश को आगे अच्छे वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाना चाहती है, उनके लिए ये मुश्किल का समय है। और लगातार ये चीज़ें जो हैं अब दिखाई दे रही हैं। तो शरीयत कानून, आपको समझ में आया कि शरीयत कानून क्या है, किन किन देशों में लागू है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से हर बार इसको बदल दिया जाता है और उसी हिसाब से देश जो हैं उसे अपना लेते हैं। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से जैसे हिंदू स्वतंत्र हैं, वैसे ही मुसलमान भी स्वतंत्र हैं। यहाँ पर ऐसे श्वेत कानून को जबरन किसी पर थोपा नहीं जाता, लेकिन तालिबानी जो हैं वो इस कानून को जबरन महिलाओं पर, बच्चियों पर, पुरुषों पर, नौजवानों पर थोपते हैं। अगर कोई नहीं मानता तो फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।